सो इट्स लाइक इट्स लाइक वो ना कि इंडिया के आप एक ऐसे कल्चर से इंट्रोड्यूस हुए जिसको आप फिर से वापस एक्सपीरियंस करना चाहोगे फॉर श्योर. आप आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे क्या था, कैसा था? आ जाओ बच्चों में. नेचर पे थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स है, वुमेन्स के पीरियड्स पे सॉन्ग्स है, फोक सॉन्ग्स से पता चलता है कि तुर्तु कितना लिबरल है. तो तुर्तु गांव जो है हुसैन भाई, वो इंडिया का लास्ट विलेज है, या लास्ट विलेज कौन सा? वो तुर्तु से 5-6 किलोमीटर आगे है थंग गांव, और वो लास्ट विलेज है. वो लास्ट विलेज होता है. लास्ट विलेज मतलब चाइना के साइड या पाकिस्तान के साइड? पाकिस्तान के साइड, उसको लास्ट विलेज कहते हैं. कितना पिक्चरस्क रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है. शेड्स ऑफ लाइट भी हम देख पा रहे हैं. खूबसूरत में खतरा भी है ना, मगर खूबसूरत में खतरा भी है. खतरा है बहुत, बहुत खतरा है. अभी लकड़ी का पुल है, वन बाय वन जाने वाला, वन व्हीकल एट अ टाइम. तब तक ये दृश्य भी है हमारे पास देखने के लिए. देख, हेलो हशमत भाई. या चले तो आज अभी हम हैं यहाँ तुर्तु गांव में. तुर्तु गांव इज प्रोबेबली द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया. इसके बाद 4 किलोमीटर बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है. हमारे पीछे अगर आप देख सकते हो, दिस इज़ द काराकोरम रेंज, और इस तरफ का जो रेंज है वो है हिमालयन रेंज. एंड ये दोनों रेंजेस आकर यहाँ तुर्तु गांव में मिलते हैं, एंड फिर आगे ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में चले जाते हैं. बहुत ही सुंदर गांव है ये. हाँ एक्चुअली, हाँ अभी हम ड्राई फ्रूट शॉप पे जा रहे हैं. हाँ. जहाँ हशमत भाई हेल्प करेंगे. बिल्कुल. हमें यहाँ के ड्राई फ्रूट के बारे में आपने बहुत कुछ बताया था कि यहाँ का लोकल ड्राई फ्रूट. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेस्टिसाइड या वीडिसाइड या कोई केमिकल यूज नहीं होता है, सब कुछ ऑर्गेनिक है, लगाना भी नहीं पड़ता है. हाँ. तो एप्रिकोट बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन है, उतना वेस्ट भी है. 30% वेस्ट होता है. वेस्ट होता है. हाँ, क्योंकि हम हाई प्रोडक्शन के लिए या ज्यादा लाने के चक्कर में हम पेस्टिसाइड वो यूज नहीं करते, तो 30% जितना वेस्ट होता है, और जो है वो छत पे सुखाना बिना विदाउट एनी मशीनरी, तो बहुत ही एक हेल्दी क्या बोलते हैं फ्रूट्स हम प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे किसी तरह का केमिकल अलाउड नहीं है ना, बैन हो गया ना? इट्स टोटली बैन है. अच्छा चलो फिर. बाकी ये मलबरी का पेड़ है भाई. ये मलबरी, और ये मलबरी हमें देने वाले हशमत भाई. तुर्तुक की खूबसूरत गलियाँ और खूबसूरत दोस्तों के नाम. ये जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान में आता है, लद्दाख से टोटली अलग कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशनल है. तो बल्ती मीन्स मिक्सचर ऑफ टिबेटन एंड पर्जिया, तो उस वर्ड को निकल के बल्तिस्तान निकला है. अच्छा. तो उस दौर का कुछ आर्किटेक्चर का वो नमूनिया ये सब है जो अब दिख रहा है. ये जो सब साइन है वो टिबेटन साइन नहीं है. हाँ. और ये वुज भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बस बल्तिस्तान में मिलेंगे. तो हशमत भाई, ये जो है ये किचन है ना बेसिकली? दुगना में बोलते हैं किचन कम लिविंग रूम. किचन कम लिविंग रूम है. हाँ. और वो साथ में है जोत,
स्टोरेज के लिए ऐसा तो है नहीं, ब्लैंकेट था या ओला या उबेर था कि जहां से ऑर्डर कर दिया गया। यहां 10-15-20 दिन का सामान रखते थे। अच्छा। स्टोरेज उसके लिए ये जो थे टेम्पररी स्टोरेज ऐसा, जो एकदम से चाहिए वो। उसके अंदर जाएंगे तो स्लीपिंग चैम्बर है। उस जमाने में तो ऐसा नहीं था कि अपना एक बेडरूम, इनका चाचा का बेडरूम, सबका साथ होते थे। तो कल्चर ही जैसे कि नौरोज फेस्टिवल बहुत सारे हम परजियन मनाते हैं इस्लाम से, ईद तो बाद में आए। तो जैसे कि आप नौरोज हुआ 21 मार्च को, यहाँ एक महीने का सेलिब्रेशन होता है जहाँ पे फोक सॉन्ग्स डांस। कब होता है वो? 21 मार्च से 21 अप्रैल तक। तो वो सही टाइम है आने के लिए? टूरिज्म इतना नहीं आते क्योंकि पता नहीं उस टाइम बर्फ होता है, ठंड होता है। अच्छा। तो सब खुला नहीं रहता है लेकिन अगर आए तो अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेंगे। उस टाइम हॉर्स पोलो होते रहते हैं, टूर्नामेंट, लोकल फोक सॉन्ग्स डांस, कोक फाइटिंग, मलबे की लड़ाई, एग फाइटिंग देखा आपने? एक पे कलर करके आपके पास एक होगा, मेरे पास एक होगा, फिर उनको टकराएंगे जिसका भी टूटा है। तो बहुत सारे फेस्टिवल है। क्यूट है। और अभी हम एक पुराने घर में, और ये घर जो है करीब ये 1850s में बना था, जिस घर में हम लोग हैं अभी। इसका 3 फ्लोर है। एक फ्लोर जो हमने देखा नीचे, जिसको कच्चा बोलते हैं, हर किसी का घर वही होता है, कच्चा, बल्टी और सिले, 3 फ्लोर। तो उस चीज से हमें पता चल जाता है रिचनेस लोगों का, हर घर ऐसा था। खूबसूरत बात है। और सीजन के हिसाब से चेंज होते थे, नीचे में विंटर में रहना, स्प्रिंग और अटम्स में इसमें रहना, और समर्स में जब गर्मी पड़ती है तो ऊपर रहना। और सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स से पता चलता है कि तुर्तुक कितना लिबरल है। बहुत सारे सॉन्ग्स नेचर पे तो होता ही है। हाँ। नेचर पे थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स है, और वुमेन्स पे है, वुमेन्स के पीरियड्स पे सॉन्ग्स है। अच्छा। तो पता चलता है ना कि हाँ, लोग इस हद तक जा सकते हैं, प्रोग्रेसिव थे। एक्सट्रामैरिटल अफेयर पे सॉन्ग्स, थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ। और आपसे बात करके ये भी समझ में आया कि बल्टी लोग का ह्यूमर भी बड़ा मजेदार है। ह्यूमर का तो पता नहीं। नहीं नहीं, चलो और जगह घूमते हैं भाई। चलो चलते हैं, चलो घूमते हैं फिर। सिर बचा के। देश के एक ऐसे हिस्से के बारे में पता चला जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, जो बाल्टी लोग हैं, बल्तिस्तान के जो लोग हैं। एक ऐसे गांव के बारे में जो 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, और जब लोग सोने गए रात में और सुबह उठे तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुके थे। और उनकी पूरी कहानी सिखलाई बतलाई हशमत भाई ने। तो स्वीटी, तुम्हारा जो तुर्तुक का आज का पूरा एक्सपीरियंस रहा, पूरा दिन जो बीता हशमत भाई के साथ, उसको आप कैसा देखती हैं, कैसा कहती हैं, कैसा बीता दिन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हशमत भाई ने मुझे बहुत अच्छे से, हमें बहुत अच्छे से घुमाया, बाल्टी घर दिखाया, उसका हिस्ट्री बताया। उन सब चीजों से अवेयर करवाना, बताना, खाना, बाल्टी खाना खिलाना, एंड एवरी बाल इंडिया के आप एक ऐसे कल्चर से इंट्रोड्यूस हुए जिसको आप फिर से वापस एक्सपीरियंस करना चाहोगे, फॉर श्योर। आप आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे क्या था, कैसा था? आ जाओ बच्चों। Thank you.
ये तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है शरीफ भाई। ओ हो हो हो, क्या शौक होता है लोगों को ऐसी जगह पे आने का, क्या लगता है आपको? यही एडवेंचर क्या करेगा? कितना खूबसूरत है ना, आप ट्रैवल करते हैं और कहानियां किस तरीके से अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज आपके साथ चल रही होती हैं, एंड यू आल्सो सी एंड मीट डिफरेंट पीपल एंड गेट टू नो देम एंड गेट टू नो हाउ इमोशनल दे आर। आप पेंगोंग लेक के बारे में इतना सुनते हो, लोग इतना बात करते हैं, और जो सबसे ज़रूरी बात वो नहीं करते वो ये है कि यहाँ पे आके सांस की दिक्कत होती है, बिकॉज यू आर एट 14,000 feet। ये बहुत क्लीशे है लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी जगह इंडिया में इतनी अच्छी बतानी हो तो कैसे बताते हो, बोलते लगता ही नहीं है कि इंडिया है, बट दिस इज इंडिया एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया दैट यू हैव सो मेनी प्लेसेस, इतना कुछ है, और लद्दाख इज वन ऑफ दैट स्पेस जहाँ पे आप आके मेस्मराइज फील करते हो।